सभी भाइयों को होली की राम राम भाई। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो लंडी तो कल होली है लेकिन अब खेलता नहीं हूँ, इसलिए कल का कोई ब्लॉग डाला नहीं। आज सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया हूँ भाई, गांव जाएंगे और आज आपको दिखाऊंगा मेरा गांव का घर जिसमें मैं रहता था बचपन में। और हमारे आश्रम जाएंगे, मतलब मंदिर को आश्रम बोलते हैं। तो 6 बजे तैयार हो गए भाई, और अभी भाई को टाइम दे रखा है, भाई को साथ लेंगे सागरपुर से और फिर निकलेंगे। वो सामने भाई जो एक विंडो एसी दिख रहा है ना, वो है मेरा घर और अभी मैं खड़ा हूँ अपने ससुराल में। बिल्कुल आमने सामने है, बीच में सिर्फ एक रोड का गैप है। तो भाई रात को आया था लेट, 1:30-2 बजे आया था, तो इसलिए वो लेट हो गया। अब आप कहाँ चल दिए, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं नहा धो के तैयार हूँ, रेडी हूँ, वेट कर रहा हूँ भाई का। अब वो इधर आएगा फिर हम यहाँ से निकलेंगे। भाई ये नजावगढ़ है, इसके काहे पलट गई, इतने साल बाद आया तो समझ में नहीं आ रहा कि नजावगढ़ की सड़कें इतनी चौड़ी हो गई, मेट्रो आ गई। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, फिर जाम तो बिल्कुल मिला नहीं। अब अपने को ऐसे लेफ्ट लेना है या सीधा? लेफ्ट से तो पीछे वाले रास्ते से जाएंगे जहाँ से हो गई थी प्रतिभा पाटिल इनॉग्रेशन करने को आया था हॉस्पिटल का। प्रतिभा पाटिल ये बोर्ड आ गया हमारे गांव का, खेड़ा टावर राइट साइड। ये तो नर्सरी खुल गई बहुत सारी इधर। और हमारे गांव में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान, चरक संस्थान, मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। देखो यहाँ के गेहूँ तैयार नहीं है, मीनू अभी रस्ते वाले तैयार थे ना, प्लॉट आ गया ना, वो रहा प्लॉट अपना, वो प्लॉट रहा, ये बस अड्डा आ गया। अच्छा और ये हमने बाईपास कर दिया अभी, खैर वापसी घर की तरफ से निकलेंगे। प्लॉट गेट वाला था वो सामने, हाँ जो उधर गेट था। गांव का स्कूल हाई राइज बिल्डिंग बन गई। अरे ये हम पहुंच गए हैं आश्रम। ये जा रहा मेरा दोस्त बचपन का, क्या हाल है कुकू भाई? काम हो गया है। बस भाई इधर ही आए थे। ये भाई हमारे गांव के आश्रम के एंट्रेंस, बहुत ही एकदम नक्शा चेंज है, बहुत सालों बाद इधर आया हूँ मैं। पूरा बागवानी हो रखी है, देखो पेड़ पौधे, फेंसिंग, वाह डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। ये महाराज जी की गद्दी है भाई हमारे, ये जो महाराज जी हैं, मतलब जब मैं आता था छोटा था तो ये वाले महाराज जी यहाँ पे थे आश्रम में। उसके बाद ये सेकंड भी आए होंगे, अभी लेटेस्ट तो खैर मेरे को आइडिया नहीं है कौन है, हैं? अच्छा तो भाई अंदर जो सेवक थे उन्होंने मना कर दिया कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई वीडियोग्राफी से कहाँ दिक्कत होती है। अगर आप में से किसी को पता होगी मंदिर में वीडियोग्राफी करने के लिए जो मना करते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि भाई अगर अंदर वीडियो बना लेते और उसको सब लोग देख लेते तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नुकसान होता। ये भाई हमारा प्लॉट जहाँ पे खेलते थे, अब तो जंगल उग रहा है, बच्चों ने कुछ लगा रखा है उसका बास्केटबॉल का। क्या हाल हो रहा है, कोई रहता नहीं है तो देखो भाई ये हाल हो जाता है। और ये है घर सामने। नमस्ते चाची। नमस्ते भाई। और बेटा ठीक हो? हाँ चाबी मम्मी ठीक है? हाँ एकदम बढ़िया। तो भाई देखते हैं ताला खोल के। तो भाई ताला तो खुल गया है, चाबी थी साथ में चाचा जी के पास। यहाँ एक पेड़ हुआ करता था मेरी याद में, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। इसमें इतना
और ये हमारे तुड़े की कोटरी, अरे खाली पड़ी है भाई, यहाँ रखते थे भैंस के लिए तुड़ा। और सामने हमारी बैठक, बैठक का मतलब ड्राइंग रूम, गांव का ड्राइंग रूम। ये स्नान घर हुआ करता था एक जमाने में, हालत देखो क्या हो गई भाई इसकी, सर ये लिकड़ गए पूरे। हाँ ये बाहर वाली एक किचन, और अरे ड्राइंग रूम खुल रहा है हमारा, वाह भाई। और ये देखो बाकी सब चीज़ें खराब हो गई, लेकिन ये जो कड़ी है ना भाई, ये शीशम की या जो उनसी भी लकड़ी की कड़ी होती है, ये वैसे के वैसी हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वाह भाई क्या हाल हो रखा है। अच्छा दरवाजे तो फिर भी चेंज हो गए, लोहे के लग गए ना ये। लोहे का तेरे पापा ने लगवाया, फेर करके ना। हाँ। सारा घर का टूट के पड़ गया था नीचे। सुधा चौखट। बिना रहा को हाल है यो। भाई टूट पड़ी है, कभी पाम लग जाए। ना ना कुछ ना लगा। शीशा शीशा ना लग जाए कभी। कुछ नहीं लगेगा। ये हमारे क्या बोलते हैं चौबारा, ये चौबारा का रूम आ गया। ये देखो ये एक साइड का हमारे एक चाचा जी का सेटअप है, और दूसरे साइड वाला हमारे दूसरे चाचा जी का सेटअप है, जो मेरी नॉलेज में जितना याद है मुझे बचपन का। तो भाई कमरे हो गए एक ये दो, और दो उधर, चार कमरे तो छत पे हो गए, चार नीचे हो गए और चार बाहर हो गए। और भाई लोगों ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये जो निकल रहा है ना ये क्या है, जिसको समझ में आए। अच्छा और ये जो है ना मेरा पहला प्यार, ये जो सामने ये जो ये, ये देखो भाई साहब कौन से जमाने का मीटर है, पता ही नहीं कौन से जमाने का मीटर है। ये हमारी दादी जी की साइड का हिस्सा है, और ये हमारी मम्मी की साइड का हिस्सा है। यहाँ सोते थे हम बीच दलान में, मैं यहाँ सोता था 5 साल तक मैं इसी घर में रहूँ, जब मेरी उम्र 5 साल थी तब तक मैं इसी घर में रहूँ, और यहीं हम खेलते थे। ये अंदर वाली मेन किचन है, और सब्सिडरी किचन एक, ये बाहर छोटे वाली किचन है, किसी को न्यारा बनाना हो अलग से बनाना हो तो उसके लिए एक ऑप्शन ये छोड़ रखी थी कि ये एक बाहर की किचन है अलग से। ये भाई जहाँ मैं गांव में रह के पहले पढ़ाई करता था, सेंटर बोलते थे इसको, अभी तो ये औषधालय बन गया है कुछ, सेंटर मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, आंगनवाड़ी, अभी आयुर्वेदिक औषधालय बन गया। यहाँ हमारी क्लास लगती थी, दूध मिलता था और यहाँ पढ़ने आते थे। आज भाई रास्ते में एक दुकान मिल गई थी गांव से आते वक्त, वहाँ पे हुक्के रखे हुए थे खूब सारे, कई दिनों से प्लानिंग थी कि हुक्का लेना ही है, तो फिर ये हुक्का खरीद लिया भाई, बहुत ही रीज़नेबल रेट पर दिया भाई ने, लगभग 2900 रुपये का पूरा पड़ा है, चिलम विलम सब मिला के। जल्दी में थे इसलिए पूरा वहाँ का कवरेज कर नहीं पाए, भाई को जाना था कहीं काम से, इसलिए फटाफट लेके और आ गए। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।